नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। तौते तूफान भारत के पश्चिमी हिस्से के समुद्री तटों से टकरा चुका है और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर एक और चक्रवाती तूफान यास के टकराने की स्थिति बन रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस चक्रवात के पश्चिमी बंगाल के समुद्री तट से टकराने पर स्वाभाविक तौर पर इसका असर ओडिशा के साथ ही बिहार और झारखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 25 से 26 मई को इस तूफान के तट से टकराने का अनुमान है, तो वहीं सोमवार को मौसम पर भारी असर दिख सकता है। इसके मद्देनजर कई तैयारियां की जा रही हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद में देखने को मिला है। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बता दें कि गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया है, उसकी उम्र 34 साल की है और वह कोरोना से संक्रमित रह चुका है। इसके साथ ही वह डायबिटीज का भी पीड़ित है। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक और घातक बीमारियों में से एक है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने के साथ ही इस महामारी से जान गंवाने वालों के आंकड़ों में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय सरकार वैक्सीन की कमी से जूझ रही है और इस वजह से कई सेंटर बंद हो गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं और इस बीच उन्होंने कहा है कि इनकी मॉडर्ना और फाइजर से बात हुई है। वो कहते हैं कि वे राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं देंगे, इसके लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। इस पर सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है, वे मॉडर्ना और फाइजर से बात करके वैक्सीन आयात करें और राज्यों में बांट दें। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी चिकित्सा पर दिए गए बयान के बाद से बड़े विवाद पर विराम लगता नजर आ रहा है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की नाराजगी के बाद बाबा रामदेव ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एलोपैथिक दवा के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले लिया है। योग गुरु रामदेव इस कदम के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने बयान वापस लिए हैं, इस मुद्दे पर विवाद को रोका है और यह काबिले तारीफ है और ये उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है या हो रही है, उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं नजर लिखा जा रहा है। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वालों के परिवार वालों को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 11 जून को की जाएगी। बीजेपी सांसद पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और नेता हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फैबीफ्लू जैसी दवाइयां बांटी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उनका तरीका सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करें और कार्रवाई करें। देश भर में फैली महामारी के बीच कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर रही हैं। टाटा स्टील ने भी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत अगर कंपनी के किसी भी कर्मचारी की मौत कोरोना से हो जाती है तो कंपनी उस कर्मचारी के परिवार को 60 साल तक सैलरी देगा। कंपनी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। सोमवार सुबह को रमन सिंह जहां इस मामले में गिरफ्तारी देने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंच गए, वहीं दोपहर बाद पुलिस ने पूर्व सीएम के आवास पर पहुंचकर उनसे इस मामले में पूछताछ की। बता दें कि रमन सिंह को थाने में नहीं घुसने दिया गया था और इस पर रमन सिंह के पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। कोरोना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर राजस्थान सरकार द्वारा एंट्री के लिए लगाई शर्तों ने सैकड़ों मरीजों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के करीब 100 से अधिक गांव नजदीकी व सर्व सुविधा युक्त के कारण इलाज के लिए राजस्थान के झालावाड़ पर निर्भर हैं। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश के 60% मरीज कोरोना सहित अन्य बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। इनकी लगातार बढ़ती संख्या और कोरोना की रोकथाम के लिए राजस्थान प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट का अनिवार्य किया गया है, जिससे एमपी के 100 गांव वालों की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कोविड की समस्या की वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हालात हैं उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वाड्रा ने आरोप लगाया कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के कारण बड़ी दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि केंद्र की सरकार कोविड के खिलाफ दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए अपनी इमेज मैनेजमेंट बनाने में लगी हुई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।